परमाणु की संरचना पार्ट तीन विज्ञान के अंतर्गत अध्याय आठ सबसे पहले की जाती है पदार्थ क्या है। पदार्थ इंग्लिश में कहते हैं मैटर और पदार्थ का दूसरा नाम है द्रव्य। पदार्थ वह वस्तु होती है यानी वह चीज होती है जिसमें क्या होता है द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान का मतलब वजन और आयतन का मतलब जो स्थान ले रहे हैं। जैसे आपका ये डस्टर इसमें वजन भी है और ये स्थान भी गिरता है तो ये क्या है पदार्थ है। और पदार्थ तुम जानते हो तीन अवस्थाएं होती है ठोस द्रव गैस। तीनों चीजों में पदार्थ क्या होता है स्थान भी गिरता है और उसमें आयतन भी होता है यानी कि वजन भी होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या है यानी सबसे छोटी इकाई क्या है पदार्थ की। सबसे छोटी इकाई पदार्थ की है परमाणु। ठीक अब सबसे छोटी इकाई कैसे निकालेंगे पदार्थ की। पदार्थ को तोड़ते चले जाओ तोड़ते चले जाओ तोड़ते चले जाओ जैसे चौक है तोड़ते चले जाओ ठीक है। और इसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल सबसे छोटा जो कण होगा वो क्या है परमाणु। अभी मैंने आपको बताया था वो सबसे छोटा कण क्या है परमाणु। इसके बारे में हमारे देश के महान दार्शनिक थे वैसी कणा उन्होंने क्या बताया परमाणु के बारे में। हम पदार्थ को विभाजित करते चले जाए जैसे जैसे विभाजित कर रहा हूँ विभाजित मतलब तोड़ते चले जाए छोटे छोटे टुकड़ों में और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो टूटना ही बंद हो जाएगी सबसे छोटा कण प्राप्त हो जाएगा और उस कण को क्या कहेंगे हम परमाणु। वही हमारा क्या है परमाणु। इसके बाद आता है अणु। किसी का भाई है अणु। जब दो परमाणु आपस में मिल जाते हैं क्या बन जाता है अणु बन जाता है। और ये अणु भी दो तरह के होते हैं एक होता है तत्व अणु और एक होता है यौगिक अणु। तत्व अणु कब होता है जब दोनों परमाणु एक जैसे हो तब होता है तत्व अणु और जब दो या दो से अधिक परमाणु अलग अलग हो तब होता है यौगिक अणु।